हाय व्यूअर्स, इससे पहले भी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स दिए थे जो कि कंप्लेनेंट के फेवर में थे, लेकिन वो जो थे वो फ्रेंडली लोन के ऊपर थे। लेकिन आज जो मैं आपके सामने जजमेंट लाने वाली हूँ, ये बहुत ही रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर है। ये जजमेंट पास हुआ है 10 फरवरी 2021 में। ये जजमेंट है कालामानी वर्सेस बाला सुब्रमण्यन। इस मैटर के अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, कि जो बाला सुब्रमण्यन है इसकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी और ये जो था ये टेक्सटाइल से डील करता था और यही कंप्लेनेंट है इस मैटर के अंदर। इसकी मुलाकात हुई एक टेक्सटाइल कंपनी से हुई जो कि एक पार्टनरशिप फर्म थी। ये टेक्सटाइल कंपनी थी मिसेस कालामानी टेक्सटाइल। ये लोग, इन दोनों के बीच में एक डीलिंग होती है। वो लोग ये कहते हैं कि हमारे जो गारमेंट्स हैं, हम ये कुछ कपड़ों को एक्सपोर्ट करेंगे फ्रांस में, और इस फ्रांस में एक्सपोर्ट जो है लोगों का काम चलना स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ शिपमेंट में कुछ देरी हो गई और शिपमेंट में देरी की वजह से जो बायर से जो पैसे मिलने थे वो डिले हो गए। तो इनके अरेंजमेंट, इनके एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए जो कंपनी के एक्यूज़ है ये मैटर के अंदर, उसने कुछ पैसे दिए 11,20,000 और वो चेक के फॉर्म में दिए। बोले कि ये आप चेक रख लीजिए और आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो आप उससे पूरा कर लीजिए। इसके साथ साथ उसने एक अंडरटेकिंग भी लिख के दिया एक स्टैम्प पेपर पर और ये कहा कि डे टू डे जो भी आप लोगों के एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। ये किसने कहा? ये जो जो टेक्सटाइल कंपनी थी, जो पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी थी, उसने दिया बाला सुब्रमण्यन को, यानी कि प्रोप्राइटर को। इसके बाद क्या हुआ व्यूअर्स, कि वो चेक जो है उसने प्रेजेंट किया और वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद उसने नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के बाद उसने कोर्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की 138 के अंदर। इसके अंदर जो एक्यूज है, यानी कि जो टेक्सटाइल कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, उसने कहा, पहले तो उसने डिनाई कर दिया कि सारे के सारे लायबिलिटी को। उसने कहा कि जब हमने चेक इशू किया था तब कोई लायबिलिटी बैठती ही नहीं थी, ये तो हमने चेक इसीलिए इशू किया, और ये जो स्टैम्प पेपर जो हमने दिया था ये तो ब्लैंक था। स्टैम्प पेपर भी ब्लैंक था, गौर फरमाइएगा, और उसका जो चेक था वो चेक भी ब्लैंक था। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सिग्नेचर थी और वो भी हमने इसलिए रखवाया था ताकि अगर इन फ्यूचर आपको कोई रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है या तो कोई भी आपको किसी से कुछ डेप्ट रिकवर करना है तो उसमें कोई चीज़ की अड़चन ना आए, और एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमने ये चेक रखवाए थे, जिसे जो है इलीगली और बगैर किसी परमिशन के यूटिलाइज़ कर लिया कंप्लेनेंट ने, इसीलिए हमारा ये लायबिलिटी बैठती ही नहीं है। कंप्लीट डिनायल हो गया। लोअर कोर्ट में मैटर चला। लोअर कोर्ट ने जो है ये मैटर को एक्यूज़ के फेवर में दिया, यानी कि एक्यूज़ को एक्विटल दे दिया। इसके बाद मैटर आया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये मैटर ने पूरा 360 का टर्न ले लिया। हाई कोर्ट ने उस मैटर को, उस जो जजमेंट था लोअर कोर्ट का, उसको क्वैश कर दिया और एक्यूज़ को कन्विक्शन दे दिया। ये कहा कि नहीं, आपकी लायबिलिटी बैठती है। अब इसके बाद ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके अंदर देखिए व्यूअर्स, एक लीगल पॉइंट ये है कि जब भी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में आप हायर कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो उस जजमेंट के अगेंस्ट में जो एविडेंस कंसीडर किया जाता है उसकी एक लिमिटेशन होती है। समझ लीजिए कि आपने कुछ एविडेंस प्रेजेंट किए और उस जो एविडेंस प्रेजेंट किया है उसके दो ओपिनियन निकलते हैं। लोअर कोर्ट ने जो है एक ओपिनियन को कंसीडर करते हुए जजमेंट दे दिया, तो सिर्फ चूंकि इसका एक और ओपिनियन निकलता जो कि एकदम इसके कॉन्ट्ररी है, एकदम इसके अपोजिट है, उस ओपिनियन को जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस ओपिनियन को लेकर अपने सिर्फ ओपिनियन के बेसिस पे इस मैटर को कम्प्लीटली टर्न नहीं कर सकता, कम्प्लीटली क्वेश्चन नहीं कर सकता, और ट्रायल कोर्ट के मैटर को अगेंस्ट नहीं जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्विटल हो गया तो एक्विटल का वो कन्विक्शन नहीं कर सकता, इसकी लिमिटेशन है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ें दी गई है कि अगर कहीं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बराबर से चीज़ों को रखा नहीं गया, या तो अगर रखा गया है तो उस चीज़ को बराबर तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्टिस नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसको पूरा राइट है कि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को कम्प्लीटली सेट असाइड कर दे और बिल्कुल भी उसका कन्विक्शन का एक्विटल कर दे, एक्विटल का कन्विक्शन कर दे। ये सारी चीज़ें जो है ये लॉ के अंदर हैं। तो इसी चीज़ को जो है चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, कि हाई कोर्ट ने इस तरीके से पूरा टर्न कैसे किया, उसके हाई कोर्ट के लिमिटेशन थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्व किया कि जब ये डिफेंस रखा गया कोर्ट के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने, कि भाई ये हमारा जो था वो ब्लैंक चेक था और ये भी एक तरीके का हमारा ब्लैंक स्टैम्प पेपर था जो हम लोगों ने साइन करके रखा था, तो जब भी कोई चेक साइन होता है या कोई डॉक्यूमेंट साइन होता है
तुरंत 138 मैटर के अंदर चेक बाउंसिंग के अंदर सेक्शन 139 और 118 यानी कि 118 ये जो दो सेक्शन हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये कहते हैं कि प्रिजम्पशन जो है स्टार्टिंग में ही फेवर में हो जाता है कंप्लेनेंट के, यानी कि ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि ये जो चेक दिया गया था इसके पीछे लायबिलिटी थी, पैसे देने थे, तभी तो ये चेक किसी और के हाथ में गया है। और जहाँ तक ब्लैंक चेक साइन करने का सवाल है तो ये सिर्फ डिनाई कर देना कि भाई हमने जो है हमारी लायबिलिटी नहीं बैठती, हमें पता ही नहीं है किसी के हाथ में आया, तो ये डिनाइल जो है रिबटल नहीं है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंसीडर किया गया, कंप्लेनेंट की तरफ से भी और एक्यूज़ की तरफ से भी। एक्यूज़ की तरफ से ये रहा गया कि जो ये जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 139 और 118 ये जो है रिबटेबल है, यानी कि हम इसको इसका रिबटल दे सकते हैं, इस प्रिजम्पशन को तोड़ सकते हैं। और इसे तोड़ने के लिए हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ लाकर बतानी है, हमें कोई भारी भरकम एविडेंस ला के नहीं बतानी है। अगर हम सरकमस्टेंसेस को बता देते हैं तो ये रिबटल हो जाता है एक तरीके का, और फिर ये जाता है कंप्लेनेंट के पाले में। कंप्लेनेंट को अभी पूरा प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो केस है ये जेन्युइन है, लायबिलिटी बैठती है। ये चीज़ें रखी गई एक्यूज़ के सामने, एक्यूज़ की तरफ से। जज ने कहा कि जैसे ही उसने साइन किया तो सबसे पहले तो सेक्शन 139 और सेक्शन 118 स्टार्ट हो गया। तो इस चीज़ को जो जज ने एक्सेप्ट ना करते हुए डायरेक्टली कंप्लेनेंट को बोला, अब आप बताइए कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में जो है वो आपको जो चेक मिला है और इसके पीछे लायबिलिटी बैठती है या नहीं। तो ये तो एकदम अगेंस्ट है सेक्शन 138 मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो शुरुआत ही प्रिजम्पशन से होता है। अगर ये प्रिजम्पशन को अगर वो सामने वाला तोड़ देता है, अक्यूज तोड़ देता है, तब आप जाके ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लेनेंट से पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसको सेक्शन को तोड़ने के लिए, ये प्रिजम्पशन को तोड़ने के लिए इसने तो एविडेंस ही नहीं लाया, इसने कोई चीज़ें सामने रखा ही नहीं, सिर्फ डिनाय कर दिया। तो डिनायल को जो ना रिबटल नहीं कहते। जज ने ये कहा कि दो चीज़ें हैं, एक होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ बताना अलग चीज़ है और पॉसिबिलिटीज़ बताना अलग चीज़ है। आप तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हो कि इसने चेक हमारा ब्लैंक था, साइन किया हुआ था, हो सकता है चेक जो है वो उसके हाथ में पड़ गया हो सकता है उसने यूटिलाइज़ कर लिया हो। पॉसिबिलिटीज़ मत बताइए, प्रोबेबिलिटीज़ बताइए। ऐसे मुझे कई फ़ोन आते हैं व्यूअर्स जिसके अंदर बाकायदा साइन किया है एक्यूज़ ने, मैटर उनके पेंडिंग है, और उनके एडवोकेट आई एम सॉरी टू से उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि डिनाई कर दो कम्प्लीटली। देखिए कम्प्लीटली आप डिनाई मत करो, डिनाई करने से आपका रिबटल नहीं होगा। आपको ये प्रिजम्पशन तोड़ने के लिए सर्कमस्टेंसेस बताने पड़ेंगे, अपनी तरफ से एक और पहल करनी पड़ेगी ये बताने के लिए कि उसके हाथ में वो चेक कैसे गया, क्या खो गया था, अगर खो गया था या चोरी हो गया था तो क्या आपने कंप्लेंट फाइल की, क्या FIR फाइल की इसके पहले कि मेरे जजमेंट्स मैंने बताया हुआ है। ये एक जजमेंट था व्यूअर जो हाल ही का है और बहुत ही अच्छा है, जो कंप्लेनेंट के फेवर में है। इसके बाद मैं एक जजमेंट बताने वाली हूँ, वो हाई कोर्ट का है। उसके अंदर तो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में एक्यूज ने अच्छी खासी स्टोरी बनाई थी और उसके साथ साथ विटनेस को भी खड़ा किया गया था, उसके बावजूद भी इसे रिबटल नहीं माना गया, उसे जो है प्रिजम्पशन का कंटिन्यू किया गया। लेकिन क्यों, क्या रीज़न से, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मेरा ये वीडियो आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।